ये है यहाँ पे कालू भाई का अन्नदान क्षेत्र, फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग अंदर सब लगती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने। तो यहाँ पे सब पार्किंग का एरिया है, और यहाँ पे अगर आप नीचे से आते हो, अगर गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हो, तो ये जो बसेज है कालू भाई मंदिर ट्रस्ट की, ये दो बसेस है, ये आपको ऊपर मंदिर पे, ज़्यादा वैसे दूर तो नहीं है लेकिन चढ़ाई है ना, तो जिसको चढ़ने नहीं आएगा या कुछ, या फिर जिसको नहीं चढ़ना है, तो ये बसेस की भी व्यवस्था की गई है। 10 रुपये पर पर्सन एकदम मंदिर के पास छोड़ेगी बस यहाँ से, और यहाँ से अभी 30 रुपये का कूपन लेना है, कूपन लेके ऊपर जाएंगे खाना खाने। तो ये है कितने का है टिकट, कूपन 30 रुपये, ये 30 रुपये का कूपन, पर पर्सन 30 रुपीज़। और श्री मांडरदेव देवस्थान मांडरदेव अन्न छत्र अनलिमिटेड है, फूड फूड अनलिमिटेड फूड। अरे हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये है किचन, तो कालू भाई के भक्तों के लिए सबसे अच्छी खुशी की बात है कि यहाँ पे ये अन्नदान छत्र चालू हो गया है, जिसका टाइमिंग है सुबह से 5 सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पे 30 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलने वाला है। 30 रुपये आपको डोनेशन देना है जिससे ये अन्नदान छत्र चले कंटिन्यू। और यहाँ पर अभी बहुत जो कालू भाई मंदिर ट्रस्ट है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुख सुविधाएँ दे रहा है भक्तों के लिए, तो कालू भाई की कृपा से ये ऐसे ही बनी रहे और भक्तों को भी कॉपरेट करना चाहिए इसमें। रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था वो सामने है किचन, और खाना जितना है उतना ही लेना है, वेस्ट नहीं करना है। और ये है जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, हॉल एरिया डाइनिंग एरिया। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए भी सारी जगह है। यहाँ पे कूपन देना है, फिर यहाँ से भोजन प्रसाद लेना है। और ये है कालू भाई का आज का प्रसाद, शीरा। तो ये आ गया अपना भोजन, चपाती, गीली भाजी, सूखी भाजी, स्वीट, शीरा और राइस। और अभी आ रहे पब्लिक। यहाँ पे जो अंदर हॉल में पानी लगा हुआ है नल, तो पीने का भी पानी वही है, हाथ भी वहाँ से धो रहे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे फिल्टर्स बॉयलर्स लगे हुए हैं, तो पूरा पानी फिल्टर होके अंदर जा रहा है। दिखा तो आप लोगों को, ये देखो, तो कनेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट है।